नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हमारे दोस्त सहयोगी हैं श्वेता झा और अंजना कश्यप। हम आपको बता दें आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं। हम लोग अपने दफ्तर के बाहर हैं, यह अलाव यहाँ पर आग जल रही है क्योंकि दफ्तर के अंदर इतनी ज़्यादा ठंड है और आज साल का सिर्फ दूसरा दिन है, लेकिन अंदर जो आप अंजना का जैकेट देख सकते हैं, ये लॉन्ग कोट पहनी हुई है, श्वेता ने भी एक मोटा जैकेट पहना है और हमारे इस जैकेट में, इस कोट में शायद अंदर हम नहीं बैठ पा रहे थे, इसलिए बाहर आए हैं। मौसम इस वक्त आपको बता दें हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और ज़बरदस्त कपकपा देने वाली ठंड है, यानी कि हैप्पी न्यू ईयर जो है वो हैप्पी कोल्ड ईयर बन चुका है। बिल्कुल हैप्पी कोल्ड ईयर बन चुका है ये, और बाहर बैठने के बाद अंदाजा लगता है हल्की सी बारिश हो रही है, पानी की बूंदें हम सब पे गिर रही हैं, लेकिन अलाव लगाकर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिन सईद बहुत घना कोहरा उसका सामना करना पड़ेगा दिल्ली को। आप अन्य जगहों पर चले जाएं तो एक तो ये पोल्यूशन की परेशानी जिसकी वजह से वो कोहरा और भी परेशान करता है, तो दिल्ली वालों के लिए तो बहुत अच्छी नहीं है। कम से कम ये जनवरी के शुरू के दिन तो बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, और खास करके मौसम वैज्ञानिकों की अगर आज हमने बात सुनी हो तो उन्होंने ये कहा है कि अभी अगले एक आध दिन तो बारिश होगी और उसके बाद 5 तारीख से ये बता रहे हैं कि ठंड बढ़ने वाली है और दोबारा से कोहरे का अटैक सईद फिर से हमें झेलना पड़ेगा। सबसे पहले हम देश भर में किस तरह से ठंड जबरदस्त पड़ रही है बताते हैं। आप फिर से ठिठुराएगी ठंड, शीत लहरी का होगा सितम, फिर कोहरा मचाएगा कोहरा। नए साल की छुट्टी की खुमारी अभी उतरी भी नहीं थी कि दिल्ली में बारिश ने दस्तक दे दी। शुक्रवार को दिन निकलने से पहले ही बारिश ने दिल्ली में डेरा जमा लिया। सुबह दिल्ली वालों की नींद टिप टिप बारिश की आवाज से खुली, घर के अंदर भी सिहरन महसूस की गई। बाहर का आलम तो ठंड के आगोश में था ही। सावधान रहिए, आसमान में बादलों का डेरा है, अभी आपको जल्दी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी की वजह से अगले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। तो जो लो प्रेशर एरिया है बे ऑफ बंगाल में, उससे ईस्टर्ली हवाएं वेस्ट यूपी तक पहुंच रही हैं। दूसरा जो हमारा सर्कुलेशन बना हुआ नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी से, इससे ट्रफिंग उत्तराखंड तक जा रही है। तो इनके इंट्रैक्शन के कारण एंटायर सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया में हल्की फुल्की रेन चल रही है। जहाँ अगर हम खास तौर से बात करें तो सेंट्रल इंडिया की, सेंट्रल इंडिया में फेयरली वाइड स्प्रेड, यानी कि बहुत ज़्यादा स्थानों पर बरसात हो रही है। लेकिन अभी तो शुरुआत है, 3 जनवरी यानी कल के बाद एक बार फिर मौसम बदलेगा और पहाड़ों पर बर्फ की बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो एक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 3 जनवरी के बाद कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी के आसार हैं। 5 जनवरी के बाद दिल्ली में एक बार फिर ठंड वापस आएगी। घना कोहरा एक बार फिर 6 जनवरी को वापस आएगा। जरा सोचिए, अगर पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी हुई तो क्या होगा? साफ है, ठंड बढ़ेगी, शीतलहरी का कहर होगा और कोहरा फिर से कोहराम मचाएगा। हाँ, जो वर्तमान तापमान अभी जैसे 10 के आसपास दिल्ली के आसपास चल रहे हैं, इनमें 3 से 4 की गिरावट आएगी और दोबारा से 5-6 तारीख के बाद टेम्परेचर फिर से 5-6 के आसपास आ जाएंगे। मतलब ये कि भले ही अभी पारे ने थोड़ी राहत पहुंचाई है, लेकिन अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। मौसम एक बार फिर करवट लेगा और हड्डियां जमाने वाली सर्दी पूरे उत्तर भारत को गिरफ्त में ले लेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत, मध्य भारत और पूरी भारत के कई इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच रिमझिम फुहारें पड़ती रहीं। मौसम विभाग का कहना है कि ये स्थिति इस वजह से बनी है क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से नम हवाएं उत्तर भारत पहुंच रही हैं और इनका इंटरैक्शन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ हो रहा है। इस वजह से पूरे के पूरे इलाके में बादलों की खाली घटाएँ छाई हुई हैं। ये स्थिति अगले 24 से 72 घंटों तक बनी रहेगी। कैमरामैन सैयद वकार अली के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली आज तक।
तो हम तीनों भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ खबरें हम आपको बताएं आज, दो दिन की दो बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अंजना, किसी चीज की तलब अभी और कुछ चाहिए? इस आग से काम चल रहा है। सही, चाय पिलाएंगे अभी थोड़ी देर में। सही, चाय पिलाइएगा। पक्का, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी रजाई में घर में बैठे होंगे, इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, हम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 31 की रात जब हम और आप नए साल के लिए जश्न मना रहे थे, तो कोस्ट गार्ड के जवान सीमा पर तैनात थे और उन्हीं की कामयाबी है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी साजिश को हमने नाकाम किया है। श्वेता, 365 किलोमीटर दूर पोरबंदर से, हालांकि जैसे ही कराची के एक पोर्ट से वो बोट निकली थी, हमारी खुफिया एजेंसीज उसको ट्रेस कर रही थी पोरबंदर से 365 किलोमीटर दूर। जब जाकर उसको पूरी तरह से घेर लिया श्वेता, ब्लास्ट करके खुद ही अपने आप को जला दिया। बिल्कुल, और इन खबरों पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन सबसे पहले अब ये देख लेते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में कौन सा शहर बारिश से आज सबसे ज्यादा भीगा। लेकिन ये जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर, दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पकड़े गए दो आतंकवादियों की तस्वीर है। और 26 जनवरी से पहले इन आतंकवादियों का पकड़ा जाना एक बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। ये दोनों पकड़े गए हैं, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और इन दोनों आतंकवादियों के पकड़े जाने को एक बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। बिल्कुल, लगता है लोगों के लिए सुकून के दो पल कुदरत को रास नहीं आए। जाते हुए साल में मौसम में थोड़ी नरमी जरूर दिखाई दी, लेकिन नया साल आते ही मौसम की एक पलटी ने तस्वीर ही बदल दी। अब सड़कों पर सिकुड़ते हुए लोग हैं, कांपते हुए लोग हैं, कोई छाता लेकर दौड़ा चला जा रहा है। तेज बारिश ने वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। मौसम देश की राजधानी दिल्ली में बिगड़ा है। वक्त हम राजपथ पर मौजूद हैं और सबसे पहले आपको हम नजारा दिखा दें कि किस तरह से दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने इस बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी। हालांकि ये हल्की बारिश दिल्ली एनसीआर के मौसम को और भी ज्यादा खुशनुमा बना रही है, लेकिन ठंड का असर जो है वो भी दिल्ली एनसीआर में अब बढ़ जाएगा। मौसम पूरे समूचे उत्तर भारत में बिगड़ा है। आज हम आपको इस बिगड़ते मौसम की वजह भी बताएंगे, तो ये भी बताएंगे कि जनवरी की इस बारिश का मतलब क्या है। शांत मौसम के बाद अचानक मौसम बेमानी सा क्यों हो गया, तो सुनिए, मौसम विभाग पूरे उत्तर भारत को आगाह कर रहा है। जी हाँ, तो सावधान हो जाइए क्योंकि फिर से कोल्ड अटैक होने वाला है और आपकी बत्तीसी फिर से सर्दी का संगीत बजाने लगेगी। अभी हवा आ रहा है, फिर नॉर्थ वेस्ट से आने शुरू करेगा, कोल्ड विंड आएगा, इसलिए 5-6 तारीख के बाद आपको थोड़ा टेम्परेचर कम होगा, उसके वजह से आपको थोड़ा सर्दी ज्यादा लगेगा। जी हाँ, ठंड से उत्तर भारत फिर से सिकुड़ेगा। हम आपको ये भी बता दें कि बारिश की गिरफ्त में उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत भी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बारिश की असली वजह क्या है। इस बारिश की असली वजह बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाली हवाएं हैं जो आपस में टकरा रही हैं। ये हवाएं टकराकर उत्तर भारत और मध्य भारत की तरफ जा रही हैं, जिसकी वजह से बारिश हो रही है। बे बंगाल में ये कुछ सिस्टम था, वहां से हवा आया है, बे बंगाल से वो मॉइस्चर लेकर आया है, यहाँ अकुमुलेट हुआ है। दूसरा, यहाँ एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से उसका और ये हवा, इसी से जो हवा आया, दोनों मिलकर इंटरैक्शन होने की वजह से ये रेनफॉल जो हुआ है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस बारिश से ठंड नहीं पड़ने वाली और ये बारिश अगले 2-3 दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन इसके बाद मौसम अपना असली रंग दिखाएगा और फिर कोहरे का कोहराम भी होगा और शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड का दंड भी होगा। आज तक ब्यूरो छोड़ दीजिए।
तो हम इतनी ज्यादा ठंड है, ये आपको बता दें, बारिश हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं, बहुत सर्द शाम है दिल्ली की ये, और हमारा अलाव जो है, ढेर सारी लकड़ियां हमने जलाई थी लेकिन वो खत्म हो गई है दोबारा। बिल्कुल, और ये सईद बारिश की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है नए साल का आगाज तो बड़ा शानदार रहा है, लोगों ने बहुत पार्टी की होगी, बहुत मस्ती की होगी, लेकिन यहाँ पे अभी की जो स्थिति है आपको हम बता दें, बारिश हो रही है, ठंड हमें बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, चाय भी ये हमारे लिए आ गई, और अंजना और सईद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, इनफैक्ट मैं खुद भी, थैंक्स सईद, हम खुद भी इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगा कि इस वक्त जो है इतनी ठंड है यहाँ पर कम से कम, कि हर कोई जो एटलीस्ट टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा होगा हमें, वो इसको अंदाज़ा लगा सकता है हमारी स्थिति देख कर इस वक्त की कितनी ठंड है। और आपको बता दें कि अभी मौसम वैज्ञानिकों ने जो चेतावनी दी है, कम से कम आने वाले दिन कम से कम ऐसे ही गुजरने वाले हैं, रजाई में आपको के रहना होगा, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश का भी कुछ ऐसे ही हाल होने वाला है। बिल्कुल, चाय का कप हाथ में है, ये आग फिर से जलानी है, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, तुरंत दौड़ते हैं। ठंड के कहर पर आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी जगह हैं हिंदुस्तान में जो इस कहर को बहुत करीब से झेल रही हैं, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए आज तक। स्वागत है आज तक में एक बार फिर आप सभी का। आज दिल्ली की ये जो शाम है बहुत ज़्यादा सर्द है, अलाव हमारा जल ज़रूर रहा है लेकिन ठंड कम नहीं हो रही, और ऊपर से हल्की हल्की बूंदें भी। ये एक ऐसा मौसम अंजना, हो सकता है श्वेता, कि हम इसे एंजॉय भी कर सकते हैं लेकिन यकीन मानिए हमें तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बाहर बैठना मुश्किल हो रहा है, बस कुछ ही हिस्से हैं जो खाली हैं इस वक्त, अगर ग्लव्स लेके बैठे होते तो शायद वहाँ पे ठंड नहीं लगती। अब ये बहस लेकिन मौसम पे चलती रहेगी श्वेता, दिल्ली वालों ने खूब मजा लिया है, जो रजाई में बैठे थे बारिश देख रहे थे बाहर खिड़कियों से, खूब मस्ती, लेकिन यहाँ मजा और सजा दोनों हो रही है अंजना। आपको बता दें अलाव तो जरूर है, क्योंकि दिल्ली वाले ये देख रहे होंगे, अलाव तो जरूर है, आपको लग रहा होगा हम खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है क्योंकि ठंड बहुत तेज है। अंजना ने अच्छा खासा मोटा कोट पहन रखा और सईद ने भी, लेकिन मेरे साथ मोटा नहीं है बिल्कुल, अच्छा ये स्टूडियो कोट है इसलिए ये उतना गर्म नहीं होगा, आप दोनों स्टूडियो वाले कपड़ों में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चाय और पकौड़ों की चर्चा जारी रहेगी, और पकौड़े के साथ साथ आपको बता दें कि चाय की डिमांड जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है, जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं और थोड़ा सा चाय लेने वाली हूँ, इसके बाद और पीऊंगी। सब कुछ जम जाए, हाथ कांपने लगे, पूरा जिस्म अकड़ जाए, तो क्या चाहिए? अरे हुजूर, एक कप चाय पीजिए। दिल्ली और करीबी इलाकों में जाड़ा, कोहरा और बारिश में सड़क किनारे ढाबे में गर्म चाय की प्याली का मजा ही कुछ और है। 5 रुपए में गले को गर्माहट की गारंटी और सर्दी से दो दो हाथ करने की खुराक। खूबसूरत लग रहा है, काफी दिनों बाद ऐसा मौसम मिला है, हल्की हल्की ठंड में बारिश में बहुत मजा आता है। सर्दी बढ़ते ही चाय वालों के चूल्हे जमने नहीं भरपूर तरीके से जलने लगे हैं। दिल्ली और करीबी इलाकों में चाय की डिमांड दम दिखा रही है, चाय पीने वाले भी खुश, चाय पिलाने वाले भी खुश। चाय का धंधा पानी चलता रहे, सर्दी की सौगात कहिए कि चाय के कप से उठती भाप दिल को भरपूर भाई। मौसम की वजह से मैं कलीग को साथ लेके आया हूं कि चलो चाय पी के आते हैं, मजा आ जाएगा मौसम में चाय पीने। दिल्ली और करीबी इलाकों में आज सुबह से बारिश ने शहर को भरपूर प्यार किया है, कभी तेज कभी हल्की बरसात ने शहर का पानी पानी तो कर दिया, लेकिन पुरानी यादें फिर से पकौड़े की शक्ल में पकने लगी है। सर्दी और बारिश को शुक्रिया कहिए। वैसे ठंड फिलहाल आपका साथ नहीं छोड़ेगा, बारिश भी गाहे बगाहे हालचाल पूछती रहेगी। आज तक ब्यूरो। तो ठंड का ये कहर जारी है, और उस कहर में हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं ताकि आपको वो फील दे सके जो दिल्ली वाले किसी भी मजबूरी की वजह से शाम के इस पहर में घर से बाहर होंगे, उन पे क्या बीत रही होगी। बिल्कुल, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन दिल्ली वालों से थोड़ी सी हमारी स्थिति बेहतर है, क्योंकि उनके पास कम से कम, अगर वो मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, तो वो कम से कम अलाव जिस तरह से हम मज़ा ले पा रहे हैं उसका कम से कम मज़ा नहीं ले पा रहे होंगे। तो आपको ये बता दें, कम से कम आज की चूँकि हम बात कर रहे हैं, आज जब सुबह हुई अंजना और सईद, आप लोग भी जब उठे होंगे तो एकदम से देखा होगा कि मौसम तो बिल्कुल ही पलट गया, बदल गया, और तेज़ बारिश हो रही थी सुबह से, ज़बरदस्त बारिश की टप टप से नींद खुली थी। बिल्कुल, और
काश काश ऐसा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ठंड की वजह से खिड़की दरवाजे बंद थे। यहाँ पर हम रुक रहे हैं बस कुछ देर के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि सर्द शाम दिल्ली और उत्तर भारत के तमाम इलाकों की ये जरूर है, लेकिन खबरें आज बहुत गर्म हैं। हम आपको लखनऊ लिए चलेंगे, अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ और उत्तर भारत की ठंड के बारे में बताएंगे, तो दिल्ली में भी हमारे साथ होंगे हमारे संवाददाता। बने रहिए, देखते रहिए चाय की चुस्कियाँ, हम तीनों की तरह आप भी घर में लेते रहिएगा, लेकिन घर से बाहर मत निकल जाइएगा, यहाँ अलाव है आपके पास, अलाव नहीं। आप देखते रहिए आज तक। हम एक बार फिर से हाजिर हैं, आप देख रहे हैं आज तक, यहाँ अलाव है, चाय है, लेकिन ठंड देश भर में कैसी है अंजना? जबरदस्त ठंड है, कई ऐसे हिस्से हैं उत्तर भारत के जहां पर लोगों की जान जा रही है इस ठंड की वजह से। सही, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कहर जो ये सर्द का है वो किस तरह से बढ़ रहा है। बिल्कुल अंजना, और ये भी बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल फिर से होने वाली है और उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार है। और 5 तारीख तो आपने पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके अंजना आपने भी जिक्र किया, तो हम सीधे इस वक्त लिए चलते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, दिल्ली की ठंड आप देख रहे हैं, हम लोग कांप रहे हैं, अलाव जल रहा है, गर्मा गर्म चाय है, कॉफी है, फिर भी लखनऊ और उत्तर भारत में किस तरह से मौसम बदला है, कैसा मौसम वहां पर है और आगे क्या संभावना, क्या भविष्यवाणी है अनूप? सही, दो बातें हैं। पहली बात यह कि लखनऊ भी कांप रहा था अभी 48 घंटे पहले तक, लेकिन बारिश की वजह से जो न्यूनतम तापमान लगातार 5 और 6 के आसपास चल रहा था वो बढ़कर आज 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, कल 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो गिरा है, वो 18-19 के बीच में चल रहा है, जिसकी वजह से सर्दी बनी हुई है न्यूनतम तापमान के बढ़ने के बावजूद। और आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त गोमती नगर के एक इलाके में खड़े हैं, यहाँ बारिश हो रही है इस वक्त लखनऊ में, काफी तेज बारिश हो रही थी अभी कुछ देर पहले तक, हालांकि अभी थोड़ी सी रुकी हुई है, लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ भी अलाव जला हुआ है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये ठंड आपको आनंद दे रही है या कष्ट दे रही है। एंजॉय भी कर रहे हैं और कहीं कहीं ये बहुत पैनिक भी हो रही है क्योंकि लगातार बारिश की वजह से हमारे कपड़े नहीं सूख पा रहे, डेली रूटीन, यहाँ तक कि मुझे आज सुबह शाम ठंड से कितनी परेशानी हो रही है जी, बहुत परेशानी हो रही है, सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं, मेड नहीं आ रही है काम के लिए और हम होम मेकर्स के लिए, तो ये बहुत ही पैनिक हो रहा है। आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है? हम तो एंजॉय भी कर रहे हैं साथ में, अनूप और जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय शर्मा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, दिल्ली में हम यहाँ ठंड को बिल्कुल महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो मौसम का बदलाव है ये क्यों है और आगे कब तक इस तरह की ठंड कपकपा देने वाली और ये बारिश भी, ये मौसम का बदलाव क्यों? बारिश सही, बारिश, ये जानना बहुत जरूरी है। संजय, बारिश तो थम चुकी है लेकिन मैं ये जानकारी जो आपने मांगी वो जरूर दूंगा। पहले मैं ये बताऊंगा, मुझे बहुत रश्क और ईर्ष्या हो रही है कि आप लोगों के पास अलाव भी है और चाय भी है, यहाँ ना अलाव है ना चाय है, लेकिन पूरी दिल्ली और आसपास का मौसम खुला खुला है। यहाँ से दूर साउथ ब्लॉक तक आपको नजर आ सकता है, कोहरे का कहीं नामो निशान नहीं, धुला धुला और खुला खुला मौसम है। मौसम विभाग का कहना है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो इधर से गुजर रहा है जो पूरे उत्तर भारत के इलाके पर है, तो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब की तरफ बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है। कल तक बारिश थम जाएगी और मौसम फिर से खुल जाएगा, तापमान में जो ठिठुरन है। संजय आएंगे दोबारा आपके पास, संजय शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अंजना और श्वेता दोनों की कॉफी खत्म हो गई है और अंजना ने ये जिम्मेदारी हमें दी है कि कॉफी आप हमें पिलाएंगे, तो आप बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम दूसरी चाय और कॉफी मंगवाते हैं और लौटते हैं हमारी ये पेशकश।